नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। ईरान का सऊदी अरब पर आरोप, सऊदी अरब बंद कर रहा है अल्लाह तक जाने का रास्ता। दोनों देशों के बीच तनाव की वजह से ईरानी लोगों को हज के लिए नहीं आने देगा सऊदी अरब। एक निगरानी समूह का दावा, उत्तरी सीरिया में ISIS के खौफ से सहमे लोग, हमले के डर से 6000 से ज्यादा लोगों ने किया पलायन। ISIS का प्लान, दाढ़ी कटवाने पर लगेगा $100 का जुर्माना, और अधिक कसे हुए वस्त्र पहनने पर महिलाओं पर $25 का जुर्माना। धन की कमी से जूझ रहा है ISIS। तुर्की सेना ने ISIS के 104 आतंकवादियों को मार गिराया, हमले में 4 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और एक तोप का किया इस्तेमाल। यूक्रेन की राजधानी कीव के वृद्धाश्रम में आग लगने से 17 लोगों की मौत, आग लगने से 2 मंजिला वृद्धाश्रम पूरी तरह क्षतिग्रस्त, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए जीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।